नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं WBPDCL, जो कि होता है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से रिक्रूटमेंट 2022 की आई हुई है। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए निकाली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो एलिजिब ओनली इंडियन नेशनल इसमें एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस का मतलब होता है, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग में या आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट है ना, तो आप इसमें ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ये लोग आपको टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कराएंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अभी आइए इसका वैकेंसीज और एडुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर नजर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ठीक है दोस्तों, फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइनिंग में आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए इन्होंने यहाँ पर 30 वैकेंसीज निकाली हुई है, जो कि डिसिप्लिन वाइज बटी हुई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए 12 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है और माइनिंग के लिए 3 है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो इन्होंने डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी जो बांटी हुई है, वो कैटेगरी वाइज भी बटी हुई है दोस्तों। जैसे मैकेनिकल के लिए 12 है, तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 6 हो गए, एससी के लिए 3 हो गया, एसटी के लिए 1 हो गया, ओबीसी ए के लिए 1 हो गया, ओबीसी बी के लिए भी 1 हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है, तो इस इलेक्ट्रिकल के 10, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 और माइनिंग के लिए 3, तो ये भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और रही बात इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 4 इयर्स का, वो भी फुल टाइम कोर्स डिग्री होना चाहिए दोस्तों। फुल टाइम कोर्स डिग्री होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए या फिर माइनिंग में होना चाहिए। फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज हो AICTE से। AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों को अपना ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। डिप्लोमा किस में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से इन लोगों ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 30 वैकेंसीज निकाली थी, उसी तरह से डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने भी 30 वैकेंसीज निकाली है, जो कि डिसिप्लिन वाइज बढ़ी हुई है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल के लिए 13 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक के लिए 7 है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो डिसिप्लिन वाइज इन्होंने वैकेंसी बांटी हुई है, वो कैटेगरी वाइज भी बटी हुई है। जैसे मैकेनिकल के लिए 13 है, तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 6 हो गए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी ए के लिए 2 और ओबीसी बी के लिए 1, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी बटी हुई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, फुल टाइम कोर्स, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, ये सब में अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, वो भी फुल टाइम, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि रिकोगनाइज हो AICTE से, ठीक है, ये बहुत अच्छा है लगता है, रिकोगनाइज अच्छा है, इसी से आपका होना चाहिए रिकोगनाइज, ठीक है। यदि आप इससे रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से नहीं कर पाते हैं, तो आपने तो इसे किया ही होगा, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यदि आप इसे इस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं है, यदि आप ऐसे इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज है जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। और द एप्लीकेंट शुड हैव पास द ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। आपको पास होना पड़ेगा ग्रेजुएट या डिप्लोमा में, पास होना पड़ेगा, करने से नहीं होगा, आप लोगों को पास होना पड़ेगा, ठीक है। इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एज स्टेटेड अबव इन द ईयर 2019, 2020 एंड 2021 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो कैंडिडेट 2019, 2020 एंड 2021 में पास आउट हुए हैं, या फिर जिन्होंने 2019, 2020 या 2021 में अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके पहले वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है,
और एक जरूरी बात, कैंडिडेट शैल एनरोल देमसेल्फ विद नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल। मतलब आप लोगों को जो इसका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो NATS जो पोर्टल होता है उसमें आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के साथ, ठीक है दोस्तों। इसके लिंक में, इसका ऑफिशियल लिंक मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बिफोर बीइंग कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब वही बात है, ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जैसे ही फॉर्म किया होगा आपके परसेंटेज के अनुसार आपका शॉर्ट आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है हुआ जाएगा। लेकिन शॉर्टलिस्टेड से पहले आप लोगों को वो चेक करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया, इसलिए वो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को NATS में रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें अगर आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो एप्लीकेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, जनरल वालों को बहुत नहीं मिलता है दोस्तों, OBC नॉन क्रीमी लेयर को ही ज़्यादातर मिलता है। तो शायद प्रोड्यूसर कास्ट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। यदि आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिसके पास SC ST OBC A या OBC B जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है और वो वेस्ट बंगाल के नहीं है, वो कोई और अदर स्टेट से है, और वो कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल WBPDCL के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उन्हें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में ही माना जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, ठीक है ना। वो उन्हें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है। यदि आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी टेक्नीशियन में ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों, यदि आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 24 ईयर्स होना चाहिए। जो कि ये आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/6/2022 से ही की जाएगी दोस्तों। और यदि आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस करना चाहते हैं और आपकी और यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो आपका मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/6/2022 से ही की जाएगी दोस्तों, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ विल बी टेकन एज डेट मेंशन इन द बर्थ सर्टिफिकेट। आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो माना जाएगा वो बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपका है उसी से माना जाएगा और कोई चीज़ से माना नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है, इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और हाँ, और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10, यदि आपके पास सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड है क्लास 10 का तब आप दे सकते हैं। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट तो होगा ही क्लास 10 का, तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। फॉर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नो अदर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। यदि आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, नहीं है तो सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड दीजिए क्लास 10 का, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का कितना ड्यूरेशन रहने वाला है। तो इन्होंने बताया है कि 1 साल का ये ट्रेनिंग रहने वाला है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में अप्रेंटिसशिप लिया जाएगा आप लोगों का, ये बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों को, 1 साल के लिए इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैं तो बोलूँगा ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 1 साल क्या जाता है, 1 साल में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एलिजिबल एलिजिब अप्लाई करिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसमें सैलरी क्या रहने वाले की, जिन्होंने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है ना, जिन्होंने ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट है और उन्होंने टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या माइनिंग से जो आए हुए हैं, तो उन्हें 9,000 रुपये मिलेगी दोस्तों, ठीक है, 9,000 रुपये महीने मिलेगी। और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था इंजीनियरिंग में और वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से आए हुए हैं, तो उन्हें 8,000 रुपये महीने मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। और बात करें इनकी कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में, तो ये लॉजिंग फैसिलिटीज शैल प्रोवाइडेड बाई WPDCL, मतलब ये लोग आपको रहने का जगह रहने का फैसिलिटीज देंगे, लेकिन जो खाने का जो फैसिलिटीज होता है ना आपको वो खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। सब्सिडाइज रेट एट आवर प्लांट कैंटीन, ठीक है, इनके जो कैंटीन होगा आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है, आपको वो खुद से देखना पड़ेगा। बस ये लोग आपको रहने का जगह देंगे, बाकी सब आपको खुद से देखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड बाय अप्रेंटिसेस हैव टू पेड बाय देमसेल्फ, मतलब जो आप लोगों का जो बिजली बत्ती का जो बिल आता है ना वो आपको खुद से देना पड़ेगा,
ये लोग आपको देंगे नहीं, ये लोग बस इतना कर रहे हैं कि ये लोग आपको रहने का जगह देंगे, बाकी सब आपको खुद से करना है, ठीक है। और जो सैलरी होगी वो कैसे आएगी, जो सैलरी होगी वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ही आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरने समय ड्यूली साइंड एंड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मतलब आप लोगों को अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी साइन उन करना होगा, ठीक है। और टू कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने समय, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर आफ्टर रजिस्ट्रेशन देमसेल्व्स ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, मैंने आपको बताया था आप लोगों को फॉर्म भरने समय या फिर फॉर्म भरने से पहले एनएटीएस में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर जो आपकी एनरोलमेंट नंबर दी जाएगी उसको फॉर्म फिलअप करने समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, एनएटीएस के वेब पोर्टल, जो कि ये लिंक आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस लिंक को क्लिक करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रही बात और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, वो लगेगी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10 की मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर एडमिट कार्ड दे सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं लेकिन देना होगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। क्वालिफाइंग डिग्री या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। विथ ऑल सेमेस्टर वाइज, ठीक है ना, ऑल सेमेस्टर का लगेगा, या फिर ईयर वाइज मार्कशीट, अगर जैसे या फिर ईयर वाइज मार्कशीट आप दे सकते हैं, ठीक है, इसमें एप्लीकेबल है। अब बात आते हैं आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन ऑन द इंटरनेट थ्रू द लिंक, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑन द वेब WBPBCL पोर्टल। मतलब इन्होंने जो बताया बताया जो लोग जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इंटरनेट में, ऑन द इंटरनेट, वही माने जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू द लिंक, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ऑन द WBPBCL पोर्टल। उतना लफड़ा मत समझिए, मैं जो इसका जो अप्लाई लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया है कि इनके जो पोर्टल में आप विजिट करेंगे तो आपको वहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक करके आप वहां से जा सकते हैं। तो उतना परेशानी मत उठाइएगा, मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई अदर मोड से अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या लगेंगी डॉक्यूमेंट्स मैंने तो आपको बता दिया था, लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो उसमें मांगा गया है, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, जो कि मैंने आपको बता दिया था एनएटीएस के माध्यम से आपको दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ, या फिर आपको ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगी आप लोगों की, और दो पासपोर्ट साइज स्कैन और स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। उसका जो साइज होना चाहिए वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दो फोटो लगेगी पासपोर्ट साइज, ठीक है, वो भी स्कैन होनी चाहिए, कैंडिडेट एज एप्लीकेबल एज साइन, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर, और हाँ दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर ही मांगा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिग्नेचर ही मांगा है एंड स्कैन सिग्नेचर नॉट मोर देन 200 KB साइज। आपको जो सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा होना चाहिए, एज द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखते हैं क्या क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम, वही लिखा हुआ देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एज इट अपीयर्स इन द एजुकेशन सर्टिफिकेट। आप लोगों को वैसा ही नाम अपना देना है जो कि आपका सर्टिफिकेट में दिया गया है, जो कि सेकेंडरी है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन में जो आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें आपको जो नाम होता है वही देना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम एट एन लेटर स्टेज नेसेसरी, यदि आपने गलती से भी अपना गलत नाम दे दिया और आप चेंज करना चाहते हैं स्टेज, जैसे लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। यदि आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं और अभी आपका नाम गलती है तो आपको इंटरव्यू में जब आप जाएंगे ना तो आपको अपना जो आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा जिसमें आपका नाम सही है तो आप उसमें दे सकते हैं, इन 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 प्रूफ आप दे सकते हैं, ठीक है। और एक बात, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ,
क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, एप्लीकेशन स्लिप एक्सेट्रा। यदि आप शॉर्टलिस्टेड किया जाते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको इंटरव्यू में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैटेगरी जो आपकी ओबीसी या एसटी जो उसकी लेके जाना है, और एप्लीकेशन स्लिप लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट्स कैन एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट www.wbcdc.co.in। मतलब आपको ये जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसी लिंक पे आप क्लिक करके आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन सबमिशन विल रिमेन ओपन फ्रॉम 7 जून 2022 टू 27 जून 2022। मतलब ये 7 जून 2022 से चालू हो गया है दोस्तों, और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 27/6/2022। तो जल्दी से हो सके तो जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, 1 साल की ट्रेनिंग में क्या होता है, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें 1 साल में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। मैं तो बोलूँगा आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा दोस्तों? कैंडिडेट्स शैल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू पीआई बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीविंग डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, जो कि बेस्ड होगा आपका जो मार्क्स अचीव हुआ है डिग्री में या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बोला गया था सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद WBCL थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा 1 साल का, जो कि होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद WBCL। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 1 ईयर ट्रेनिंग एज पर प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इजिली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, नो TA और अदर एक्सपेंसेस विल बी मेड एज विजिबल टू द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। मतलब आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा यदि आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, आपको अपने कॉस्ट पे ही आना है। ठीक है दोस्तों, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट द पावर प्लांट। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आपको पावर प्लांट में पोस्ट कर दिया जाएगा या फिर पावर स्टेशन में पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑफ द कंपनी स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कई सारे पावर प्लांट या पावर स्टेशन होते हैं, तो जहाँ पर आपको नेसेसरी रहेगी आपको वहीं पर पोस्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसलिए चेकआउट कर सकते हैं। और यदि तो हमारी जो वीडियो थी यहीं तक थी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको उनको भी ये नोटिफिकेशन के बारे में मालूम चले। ठीक है दोस्तों।